हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मटरोला फ़ोन है, तो मटरोला फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में है नोटिफिकेशन वाइब्रेशन ऑप्शन है, तो नोटिफिकेशन वाइब्रेशन ऑप्शन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं नोकिया फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स अपने आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स अपने आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन वाइब्रेशन ऑप्शन है, तो नोटिफिकेशन वाइब्रेशन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, सिंपल आपकी फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है नोटिफिकेशन वाइब्रेशन। तो सर्च करते ही नोटिफिकेशन वाइब्रेशन सेटिंग्स ओपन आएगी, जहाँ से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करते ही जो भी आपका नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन में आता है तो उसमें जो वाइब्रेशन है शो करेगा, क्योंकि हमने इसको ऑन कर दिया तो उसमें वाइब्रेशन शो करेगा। और ऑफ़ करते हैं तो कोई भी वाइब्रेशन हमारे नोटिफिकेशन पर शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑफ़ कर दिया। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी नोटिफिकेशन वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन्स शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आते हैं, जहाँ से आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी, फिर आप देख सकते हैं कि जैसे आप सर्च करते हैं नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, या बैक करके आप चले जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सेसिबिलिटी का। तो एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे, यहाँ से इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्ट्रेंथ, जहाँ से नोटिफिकेशन वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।